हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल निफ्टी कहाँ पर मूवमेंट दे सकता है। अगर हम कल के मतलब फ्राइडे की मार्केट की अगर बात करें तो फ्राइडे के मार्केट में जो था मार्केट गैप डाउन खुला था, और गैप डाउन खुलने के बाद जो था मार्केट ने थोड़े हाइक दी, और उसके बाद में फिर से मार्केट ने उस दिन के ओपनिंग को टच करने की कोशिश की, और फिर से मार्केट ने परसों की मतलब जो अपने को थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वहां पर मार्केट ने मंडे के सेशन में हाई बनाया था, और उसके बाद में नीचे आकर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो अगर हम देखें तो निफ्टी का जो डेली में ट्रेंड चल रहा है वो जो है वो निगेटिव मतलब डाउन साइड में निफ्टी जा रही है। तो अगर मार्केट नीचे आता है, अगर समझो कल के सेशन में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कल मार्केट खुल सकता है। एक तो अच्छा, अगर अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट 19,700 पे भी खुल सकता है। अगर फ्लैट खुलता है तो मतलब 19,750 पे खुलता है तो वहां से मार्केट अपसाइड में भी रैली दिखा सकता है। अगर हम मार्केट की बात करें कल के सेशन की, अगर हम 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में बात करें तो कल जो है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट जो अटेम्प्ट करेगा फर्स्ट, तो मार्केट यहाँ पर अब भी अच्छे खासे सपोर्ट पर है, मतलब 19,733 पर है। अगर मार्केट वहां से अपसाइड में रैली दिखाता है तो पहला टारगेट जो रहेगा निफ्टी के लिए वो रहेगा 19,780 का, दूसरा रहेगा 19,800 का, और उसके बाद अगर अच्छा खासा मार्केट में रैली रही तो मार्केट 19,850 को भी टच कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट कल अगर नीचे आता है तो मार्केट का जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगा कल के सेशन में फ्लैट खुलने के बाद वो बन सकता है 19,700। उसके बाद अगर नीचे आता है तो 19,680 पर भी अच्छा खासा मार्केट में सपोर्ट है, और उसका नीचे का जो निफ्टी का अच्छा खासा स्ट्रांग सपोर्ट है 19,600 पे है, वो एकदम निफ्टी का स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इस तरह कल के सेशन में अपने को मार्केट काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।